ओम श्री साई राम। हम आशा करते हैं कि आपने इच्छाओं पर नियंत्रण सीरीज का चौथा एपिसोड देखा होगा, जिसमें हमने आवश्यकता से अधिक भोजन पकाने के ऊपर विचार किया था। देखते हैं 9 सूत्रीय आचार संहिता पुस्तक में हमें इस बारे में क्या बताया गया है। अपने फ्रिज पर निगाह रखो, तुम पाओगे कि तुम आवश्यकता से अधिक भोजन पका लेते हो और फिर बचा हुआ भोजन कल के लिए फ्रिज के कोने में रख दिया जाता है। अगले दिन तुम ताजा खाना बनाते हो और बचे हुए खाने को भूल जाते हो और फ्रिज में बचे हुए खाने के बर्तन बढ़ जाते हैं। अब फ्रिज में बचे खाने के 2 बर्तन हैं। ये संख्या बढ़ती जाती है, यहां तक कि घर में बर्तन कम पड़ने लगते हैं या फ्रिज में जगह ही नहीं रह जाती या फ्रिज से दुर्गंध आने लगती है। तब तुम क्या करते हो? सब उठाकर फेंक देते हो। इस तरह से हम भोजन का अपव्यय कर देते हैं। चलिए एक बार और इस पर विचार करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं पकाएं और भोजन के अपव्यय से बचें। इच्छाओं पर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत और भी वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। जय साई राम।